नमस्कार, महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजबपुरा कठवाड़ी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बीए तृतीय वर्ष इतिहास, बीए तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत इतिहास को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज हम अंग्रेज़ों के द्वारा जो बंगाल विजय की गई थी उसी के परिप्रेक्ष्य में हम प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके प्लासी के युद्ध ने ही अंग्रेज़ों को बंगाल में एक राजनीतिक रूप से पैर जमाने का मौका दिया। और प्लासी की विजय के पश्चात ही उन्होंने बक्सर विजय को आसान बनाया, और प्लासी और बक्सर की विजय के पश्चात ही पूर्ण रूप से अंग्रेज बंगाल विजय कर पाए। तो सबसे पहले आज हम आपके सामने प्लासी के युद्ध की चर्चा करेंगे। 1651 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। इसी वर्ष उस समय जो बंगाल के सूबेदार थे मुगल शाहजहाँ के बेटे थे शाहजहाँ, उसकी अनुमति से ये हुगली में फैक्ट्री स्थापित की थी। उसी वर्ष एक राजवंशीय स्त्री कोई बीमार थी मुगल बंगाल में, उस स्त्री के इलाज के लिए एक अंग्रेज चिकित्सक डॉक्टर बोटन ने उसका इलाज किया। उस इलाज से खुश होकर शाहजहाँ ने उन्हें बंगाल बिहार उड़ीसा में 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके पश्चात 1698 ईस्वी में मुगल सूबेदार अजीमुशान की इजाज़त से सुतनाती, कालीकट और गोविंदपुरी की जागीर जहाँ आधुनिक कलकत्ता नगर बसा हुआ है 1200 रुपये के बदले इस क्षेत्रों को अंग्रेज़ों के अधीन कर दिया गया, ताकि यहाँ पर वे व्यापार कर सके। और कलकत्ता में ही उन्होंने फोर्ट विलियम किले की स्थापना की। इसके पश्चात उन्होंने पटना कासिम बाज़ार आदि क्षेत्रों में भी अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने अंग्रेज़ों को दस्तक के उपयोग करते हुए बंगाल में टैक्स मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह से बंगाल में अंग्रेज व्यापार मुक्त होकर कार्य करने लगे, जिससे उनको काफ़ी लाभ हुआ। मुगल काल का सबसे धनी प्रदेश बंगाल था। 18वीं सदी तक आते आते, चूँकि उत्तरकालीन जो मुग़ल सम्राट थे औरंगजेब की मौत के बाद वे काफ़ी कमज़ोर हुए, और 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल का, जब औरंगजेब की मृत्यु उससे पहले मुर्शीद कुली खां बंगाल का सूबेदार था, और अतः औरंगजेब की मौत के बाद एक तरह से वह स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। मुर्शीद कुली खां की मौत के पश्चात शुजाउद्दीन उत्तराधिकारी बना। इसी शुजाउद्दीन के समय बिहार जो प्रांत है जो बंगाल के अधीन बंगाल के पड़ोस में ही था, अली वर्दी खां को वहाँ का नायब सूबेदार मुगल बादशाह के द्वारा बनवाया गया। अली वर्दी खां एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जब शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। उसके और अली वर्दी खां के मध्य, दोनों के मध्य 1740 में पूर्णिया का युद्ध हुआ, जिसमें अली वर्दी खां ने बंगाल के नवाब सरफराज खां को पराजित करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। और अपने दावे को मजबूती प्रदान करने के लिए उसने तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से अनुमति प्राप्त कर ली, उनको कर आदि ज़्यादा भिजवा कर। इस प्रकार से अब अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया, और उसने मुगल सम्राट से भी अपनी अनुमति प्राप्त कर ली थी। इसी 1740 की विजय के पश्चात आने वाले 15 वर्षों तक अली वर्दी खां को
मराठों के आक्रमण से जूझना पड़ा, अतः उनका ध्यान अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की तरफ इतना नहीं गया। फिर भी इस समय बंगाल में दो ब्रिटिश जो कंपनियां थी, मुख्य रूप से अंग्रेज और फ्रांसीसी, फ्रांसीसी चंद्रनगर उनका केंद्र था और अंग्रेजों का केंद्र कलकत्ता था, वहाँ पर वे अपना व्यापार आदि कर रहे थे। 1756 में से अपने मरने से पूर्व जब बंगाल में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष चल रहा था, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो इससे क्या है कि बंगाल को काफ़ी नुकसान हो रहा था। इसी समय अली वर्दी खान के जो सलाहकार थे, उन्होंने कर्नाटक की जो घटनाओं के बारे में उनको जानकारी दी कि किस प्रकार से कर्नाटक के आंतरिक मामलों में दखल देकर अंग्रेजों ने वहाँ पर अपना अधिकार, अंग्रेजों फ्रांसीसियों ने अपना अधिकार कैसे जमाया। अतः मरने से पूर्व अली वर्दी खान ने एक बात भी कही थी जो काफ़ी प्रसिद्ध भी रही है कि अगर इन कंपनियों को छेड़ा नहीं जाए तो ये हमें शहद देगी, अगर छेड़ा जाए तो ये हमें काट काट कर मार डालेगी। तो आने वाले समय में इनकी ये बात काफ़ी सत्य सिद्ध हुई, जैसा कि प्लासी और बक्सर के युद्ध में हम देखेंगे। चूँकि अली वर्दी खान के कोई पुत्र नहीं था, उनकी पुत्रियाँ थीं, उन्हीं में से एक दोहिता पौत्र भी बताते हैं, दोहिता मिर्जा मोहम्मद, जिसको इतिहास में सिराजुद्दौला के नाम से जाना जाता है, उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। थोड़ा सा बंगाल में तो नवाब 18वीं सदी में बंगाल के नवाब, मुर्शीद कुली खान, इसके बाद शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान और सरफराज खान के बाद अली वर्दी खान। ये 1740 से 1756 तक, और उसके पश्चात सिराजुद्दौला। तो हमें विशेष रूप से सिराजुद्दौला की चर्चा करेंगे। अब सिराजुद्दौला को अपने नाना की सीख काफ़ी याद थी और वह भी चाहता था कि जो विदेशी कंपनियाँ वो आपस में झगड़ा ना करें और ना ही ये किलेबंदी आदि कार्य करें जिससे कि आने वाले समय में बंगाल को ये चुनौती दे सके। इसलिए दोनों के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। अब प्लासी के युद्ध के पीछे कई कारण थे। सामान्य तौर पर जैसे कि जैसे सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे, एक तो विरोधी था शौकत जंग, इनका मौसी का लड़का था शौकत जंग पूर्णिया का नवाब था, वे भी बंगाल की दावेदारी पेश कर रहा था। दूसरा उनकी मौसी गसीर की बेगम, इन दोनों ने मिलकर षडयंत्र रचे काफ़ी अंग्रेजों के साथ मिलकर कि वह सिराजुद्दौला को मार दे सके। हालांकि शौकत जंग को तो उन्होंने एक युद्ध में पराजित करके मार डाला था सिराजुद्दौला ने, फिर भी गसीर की बेगम और अन्य जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने अंग्रेजों के माध्यम से सिराजुद्दौला के प्रति षडयंत्र रचना शुरू कर दिया था। अतः कलकत्ता, दूसरा जो एक कारण और इम्पोर्टेंट है जो प्लासी का युद्ध का कारण बना या अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष का कारण बना, दस्तक का प्रयोग। 1717 के फर्रुखसियर, मुगल सम्राट फर्रुखसियर के फरमान के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में टैक्स फ्री, अपने टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति मिल चुकी थी, परंतु अंग्रेज लोग उस दस्तक का जो फ्री पास था उसका दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे सिराजुद्दौला को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तीसरी बात जो एक थी कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का डर दिखाकर अपनी किलेबंदी करना शुरू कर दिया बंगाल कलकत्ता की। अब सिराजुद्दौला के लिए एक चुनौती थी कि वो कलकत्ता की किलेबंदी कैसे कर सकते हैं, एक राज्य के अंदर दूसरा राज्य हो जाता, इसलिए अंग्रेज सिराजुद्दौला को उसके प्रति काफ़ी गुस्सा था। अतः सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की हरकत को जवाब देने के लिए 1756 ईस्वी में एक सैनिक अभियान किया और कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। इस समय जो कलकत्ता का गवर्नर था रोजर ड्रेक,
वह अपनी जान बचाकर अन्य साथियों के साथ वहाँ से भाग गया कलकत्ता से, और कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया। कलकत्ता अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौटने से पूर्व कलकत्ता को मानिकचंद, जो उसका एक प्रमुख सेनानायक था, प्रमुख व्यक्ति था, उसको कलकत्ता की के अधिकार देकर छोड़ गया, कलकत्ता का अधिकार देकर छोड़ गया। जैसे ही ये सूचना मद्रास, क्योंकि उस समय मद्रास कलकत्ता अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र बाद में बना, उससे पहले मद्रास उनका प्रमुख केंद्र था। जैसे ही ये सूचना अंग्रेजों की हार की सूचना मद्रास पहुंची, उस समय लॉर्ड क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में, जिनके साथ वाटसन भी था जलसेना वाला प्रमुख, वह वहाँ से निकले कलकत्ता को जीतने के लिए। 16 अक्टूबर 1756 को वहाँ से उन्होंने रवानगी ली और 14 दिसंबर 1756 को वे पहुँच गए। लेकिन इससे पहले वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह भी कहा था कि हमें जल्द से जल्द ये काम करना है ताकि कलकत्ता को जीत सके, और वापस हमें वापस दक्षिण की ओर लौटना है ताकि हम फ्रांसीसियों से, क्योंकि उनको आशंका थी कि फ्रांसीसियों से संघर्ष हो सकता है इस समय, तो सप्तवर्षीय युद्ध के समय की वो घटना है, सप्तवर्षीय युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हो रहा था, तो अतः ये काम उनको जल्द से जल्द करने का सौंपा। दिसंबर 1756 ईस्वी को लॉर्ड क्लाइव कलकत्ता पहुँच गया था, बंगाल पहुँच गया, और उन्होंने व्यूह रचनाएं बनाने के, सिराजुद्दौला को कैसे प्राप्त किया जाए, सिराजुद्दौला की क्या क्या कमजोरियां हैं, कौन उसके विरोधी लोग हैं, इन सब के प्रति उसने रचना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। इससे पहले उसने मानिकचंद को घूस देकर कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया, मानिकचंद को घूस देकर कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। जब ये सूचना सिराजुद्दौला के पास पहुँची, तब सिराजुद्दौला उससे संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ा, परंतु सिराजुद्दौला को इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में दोनों के मध्य अलीनगर की संधि हुई। इसकी संधि हुई पहले कलकत्ता पर अधिकार, कलकत्ता पर अधिकार 1756। फिर अगला हुआ कि अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि। एक घटना का उल्लेख मैं आपसे कर दूं, ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल या जिसे कालकोट की घटना कहते हैं, कालकोट की घटना, ये 20 जून 1756 की बात। जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था, तब वहाँ अपने कुछ अधिकारियों को छोड़ के चला गया था, तो बताया जाता है कि लगभग 146 अंग्रेजों को, जिसमें स्त्रियां और बालक भी थे, उनको पकड़कर 18 फिट लंबे और 14.10 इंच चौड़े कक्ष में बंदी गृह में उनको बंद कर दिया गया, जिसमें जून की भीषण गर्मी, 20 जून को इनको बंद किया गया था, और 21 जून को सुबह जब देखा गया तो इनमें से 123 व्यक्ति मारे जा चुके थे, केवल 23 जीवित बचे। इस घटना को चर्चित बनाने में जिस व्यक्ति का योगदान है, उसका नाम है जे जे ऑलवेल, जे जे ऑलवेल, जो जे ऑलवेल जो था वो भी इस बंदियों के साथ ही था, परंतु ये बच गया था उसमें, और इसी ने ये घटना को चर्चित बनाया था, और भारत और ब्रिटेन ने इसका काफ़ी प्रचार किया था कि किस प्रकार से देशी भारतीय राज्य ने, भारतीय बंगाल के शासक ने किस प्रकार से स्त्रियों और बच्चों समेत अंग्रेजों 143 अंग्रेजों की जान ले ली थी। ठीक है, हालांकि आने वाले समय में जब इस घटना का विश्लेषण किया गया था, कई भारतीय इतिहासकारों ने ये भी माना कि इतने छोटे कमरे में इतने व्यक्तियों को कैसे बंद किया जा सकता है, इसको लेकर काफ़ी वाद विवाद भी हुआ। दूसरी ओर सिराजुद्दौला पर जो आरोप लगाया गया था, उस पर कुछ विद्वानों का ये मानना है कि सिराजुद्दौला ने के कहने पर, ये हो सकता है कि कहने पर किसी अधिकारी ने काम नहीं किया, बल्कि छोटे अधिकारी जो था उसी ने अपनी मर्जी से काम किया हो। हाँ, ये हो सकता है कि सिराजुद्दौला ने उस व्यक्ति को जिन्होंने ये काम किया था उसको सजा नहीं दी, इस वजह से अंग्रेजों ने इसको काफ़ी प्रचारित किया। आने वाले 7 वर्षों तक अंग्रेजों ने इस घटना को लेकर काफ़ी हंगामा मचाया, जिसका फ़ायदा उसको काफ़ी मिला भी, वहाँ अंग्रेज लोगों की सिंपति भी उनको मिली, जहाँ अंग्रेज लोग ब्रिटेन से, ब्रिटेन के लोगों की सिंपति भी काफ़ी मिली, क्योंकि एक ये दयनीय घटना थी,
इस घटना का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा अंग्रेजों को प्लासी के युद्ध में विजय होने के लिए और सियाजी दौला के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। अतः लॉर्ड क्लाइव जब आ गया था दिसंबर 1756 ईस्वी को, तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी और कलकत्ता के जो अधिकारी थे मानिकचंद उसको घूस देकर कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया था। अतः दोनों के मध्य से अभी दोनों अंग्रेजों के मध्य एक छोटा सा संघर्ष रहा। बाद में चूँकि अंग्रेजों की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि सड़े अधिकारी के साथ मिले हुए थे, इस बात इसी राज्य दोनों को भी मालूम था। तब अलीनगर की संधि करनी थी, अलीनगर की संधि फरवरी 1757 जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार किया था, तो उसका नाम अलीनगर उसने रख दिया था, इसलिए संधि अलीनगर के नाम से जानी गई। इस संधि के द्वारा ये तय हुआ कि जो व्यापारिक अधिकार अंग्रेजों को इससे पहले जो प्राप्त थे उनको वापस जारी कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कलकत्ता की जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको क्षतिपूर्ति सिराजुद्दौला भरेगा। इस प्रकार से अलीनगर की संधि अंग्रेजों के एक तरह से पहली विजय थी, जिससे अंग्रेजों को काफ़ी फायदा हुआ। अब लॉर्ड क्लाइव यहीं बैठने वाला नहीं था, अब उसने षडयंत्रों के माध्यम से सिराजुद्दौला के साथ षडयंत्र करके सिराजुद्दौला के खिलाफ षडयंत्रों के माध्यम से बंगाल को जीतने की प्रक्रिया उसने शुरू कर दी। अतः उसने जो मुख्य सेनापति था सिराजुद्दौला का मीर जाफर एक बड़ा सेठ था जगत, जगत सेठ अमीरचंद राय मंडल आदि व्यक्तियों को अपनी ओर मिलाकर सिराजुद्दौला के खिलाफ षडयंत्र रचा। तय यह हुआ कि सिराजुद्दौला को अपराजित करने के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया जाएगा। बदले में मीर जाफर अंग्रेज़ों को काफ़ी सहायता देगा, क्षतिपूर्ति भी देगा और अन्य धन दौलत भी उनको देगा। इस प्रकार से सिराजुद्दौला के खिलाफ सारा षडयंत्र रच लिया गया। अंग्रेज़ों ने मार्च 1757 ईस्वी को फ्रांसीसी जो मुख्य बस्ती थी चंद्रनगर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। अतः सिराजुद्दौला को सीधी चुनौती थी। अतः सिराजुद्दौला भी अपनी सेना के साथ शक्तिशाली सेना इकट्ठी करके लगभग 50,000 सैनिक उसके सेना में शामिल थे। हालांकि उसमें काफ़ी विश्वासघाती लोग भी थे। मुर्शिदाबाद से दक्षिण में 22 मील की दूरी पर प्लासी नामक गाँव में इकट्ठा हो गया। लॉर्ड क्लाइव भी अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँच गया। हालांकि उस समय लॉर्ड क्लाइव की सेना में ज़्यादा व्यक्ति नहीं थे, 2100 भारतीय सैनिक थे उसमें जो अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, 950 हज़ार के मध्य यूरोपीय पदाती पैदल सैनिक थे, 40 नाविक सैनिक थे, 100 यूरोपीय तोपखाना वाले थे। इन्हीं के माध्यम से उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता। ये सभी लोग कहाँ इकट्ठे हुए, प्लासी के मैदान में। शुरू में दो प्रमुख जो उनके सेनानायक थे सिराजुद्दौला के, मीर मदान व मोहनलाल, इन दोनों के आक्रमण के कारण लॉर्ड क्लाइव की सेना के पैर उखड़ गए और उनको छिपना पड़ा। लेकिन अचानक एक गोली मीर मदान के लग गई। इसके पश्चात सिराजुद्दौला की सेना में इतनी ताकत नहीं, क्योंकि अब षडयंत्रकारी लोग उनके साथ थे जो सेना की अगुवाई कर रहे थे। अतः मीर जाफर ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें सिराजुद्दौला भी सम्मिलित थे। सिराजुद्दौला को कहा कि आप महल वापस चले जाइए, हम ये मामला संभाल लेंगे। तो सिराजुद्दौला ने उनकी बात मान ली और वहाँ से वे निकल गए। सिराजुद्दौला के पास शायद कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उनको मालूम तो था ये लोग कहीं ना कहीं उनके साथ मिले हुए हैं, इसके साथ अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए हैं। इस प्रकार से सिराजुद्दौला अपने मुर्शिदाबाद महल को निकल गया, जहाँ पर मीर जाफर के बेटे ने उसकी मीर जाफर का जो बेटा था मीरन, उसने उसकी हत्या कर दी। अतः इसी प्लासी के युद्ध में चूँकि मीर जाफर और क्लाइव वापस मिले और इस प्रकार से प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों ने ज़्यादा को क्षतिपूर्ति में ज़्यादा को सैनिक क्षति पहुँचाए हैं
पहुँचाए हुए ही जीत लिया आसानी से। और 25 जून 1756 ईस्वी के आसपास मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बन गया। अब इस युद्ध का जो महत्व था, इस युद्ध का सामरिक रूप से तो कोई इतना महत्व नहीं रहा, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका काफ़ी महत्व रहा है प्लासी के युद्ध का। एक तो ये है कि मीर जाफर जब नवाब बना तो उसने अंग्रेज़ों को काफ़ी सहायता दी। 24 परगने की जागीर अंग्रेज़ों को पुरस्कार के रूप में दी मीर जाफर ने। इसी तरह से लॉर्ड क्लाइव को 2,34,000 pounds की पाउंड उनको भेंट किए। इसी तरह से 50 lakh rupees के आसपास अन्य जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे, उनको सहायता के रूप में दी। इस प्रकार से मीर जाफर नवाब तो बन गया, लेकिन अंग्रेज़ों के वह कठपुतली ही रहा। इतिहासकार कैम पंडितन ने इस प्लासी के युद्ध को लेकर एक पंक्ति कही जो काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसको बंगाल के धनी सेठों और मीर जाफर ने अंग्रेज़ों का हाथों बेच दिया। ये पंक्ति काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि जो प्लासी का युद्ध था वो पूरे षडयंत्रों के द्वारा लड़ा गया था। षडयंत्र कुछ चक्रों के माध्यम से लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला परास्त हुआ और मारा गया, और क्लाइव एक तरह से बंगाल पर, हालांकि मीर जाफर नवाब था लेकिन अब अंग्रेज़ों की ज़्यादा चलती थी, उन्होंने वहाँ से फ्रांसीसियों आदि से भी काफ़ी मजबूत स्थिति बना ली थी। और 1759 तक बंगाल से लॉर्ड क्लाइव ने डचों को भी बाहर कर दिया था। इस प्रकार से जो मीर जाफर बाद में धीरे धीरे इस चंगुल से छूटना भी चाहता था ना अंग्रेज़ों के चंगुल से, लेकिन वो छूट नहीं पाया क्योंकि उसके सहयोगियों को लॉर्ड क्लाइव और अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे समाप्त कर दिया। इस प्रकार से प्लासी का युद्ध का बंगाल के इतिहास में अपना अलग महत्व है। तो ये प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी आपको मैंने दी। इसके बाद बंगाल विजय का जो अगला पार्ट है, जो सही मायने में बंगाल अंग्रेजों ने विजय की, उसका अध्ययन हम करेंगे। बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया था उसका उल्लेख हम करेंगे, जिसके के उस बक्सर के युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने किस प्रकार संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लिया, जिससे उनके पास दीवानी और आदि का दीवानी के जो मुख्य कार्य थे उनके पास वो कैसे आ गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।